हेलो दोस्तों, आरपी स्टडी ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। आज अपन एनसीईआरटी क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। तो दोस्तों समझने का प्रयास कीजिए। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6³ + 1 या 6³ + 3 या 6³ + 5 के रूप में होता है, जहां क्यू कोई पूरा। तो डियर फ्रेंड समझने का प्रयास करें। देखिए यहां से हल। तो डियर फ्रेंड समझिए, यहां पर माना ए कोई, मानेंगे अपन, माना ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। दोस्तों मान लेंगे कि माना ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है और भाजक बी है। दोस्तों उसका भाजक बी मानेंगे, भाजक यानी जिसमें भाग देते हैं। तो दोस्तों सॉरी, जिसका भाग देना होता है वो भाजक। तो देखिए दोस्तों, जैसे अपन कोई किसी में भाग देंगे, यानी अपन बी का भाग देंगे किसी में, ए में देंगे, तो बी का भाग ए में देंगे, बी को क्या मानेंगे? तो बी बराबर दोस्तों 6। बी बराबर क्या लेंगे? 6³ + 1, 6³ + 3, 6³ + 5 है। तो क्या लेंगे दोस्तों? 6³। तो 6 लेंगे, बी बराबर क्या लेंगे? 6। तो दोस्तों यूक्लिड विभाजन प्रमेय से करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होती है दोस्तों? ए बराबर बी क्यू प्लस आर, दोस्तों यूक्लिड विभाजन प्रमेय होती है। तो दोस्तों अगर अपन 6 का भाग, ए है 6, किसी भी धनात्मक पूर्णांक में देंगे तो क्या निकलेगा? मान के चलिए अपन 8 में देंगे तो 6 × 6 = 6, शेष कितना निकलेगा? इस 6 से छोटा निकलेगा दोस्तों, इस 6 से निकला है, 6 से बड़ा नहीं आएगा। तो रिमाइंडर क्या क्या निकलेगा दोस्तों? शेषफल r बराबर जीरो निकल सकता है दोस्तों, 1 निकल सकता है, 2 निकल सकता है, 6 से छोटा 3 निकल सकता है, 4 निकल सकता है और 5 निकल सकता है दोस्तों। शून्य जीरो निकल सकता है, 1, 2, 3, 4 और 5, 6 से छोटा शेष फल निकलेगा दोस्तों। तब दोस्तों अपन यहाँ लिखेंगे 0 से तो क्या होना चाहिए इसको? बड़ा रिमाइंडर। 6 से कैसा होना चाहिए? छोटा दोस्तों। तो दोस्तों इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, तो लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 मानेंगे, समीकरण 1 में क्या रखेंगे? R का मान, यहाँ लिख लेंगे समीकरण 1 में R का मान रखने पर। तो दोस्तों समीकरण 1 में R का मान रखेंगे तो यहाँ से लेंगे A बराबर वी क्यू प्लस R। तो दोस्तों R का मान रखेंगे अपन, क्या रखेंगे? यहाँ b का मान कितना है? 6, तो यहाँ क्या लिख लेंगे? 6। r क्या है दोस्तों? 0 रखेंगे पहले, तो यहाँ 0 रख लेंगे तो क्या आ जाएगा? 6³। क्या निकल कर आएगा? ये तो 0 हो गया है, तो कितना निकलेगा? 6³। 6³ दोस्तों क्या है? 6 क्या होता है? सम या विषम। तो दोस्तों सम होता है, 6 क्या होता है? सम। इसी प्रकार दोस्तों 1 रखेंगे
ए बराबर 6³ + 1। तो दोस्तों 6 और 1 कितना होता है 7, तो 7 क्या होता है दोस्तों विषम। इसी प्रकार दोस्तों कितना रखेंगे शेष पर 2 रखेंगे, यहाँ देखेंगे दोस्तों तो अगर अगली बार क्या रखेंगे 2, ए बराबर 6³ + 2, 6 और 2 कितने होते हैं दोस्तों 8, तो ये क्या होता है दोस्तों सम। इसी प्रकार दोस्तों कितना रखेंगे 3, 6³ + 3, तो 6 और 3 कितना होता है 9, 9 क्या होता है विषम। इसी प्रकार दोस्तों ए बराबर कितना रखेंगे 4, तो 6 और 4 कितना होता है 10, 10 क्या होता है सम। इसी प्रकार कितना रखेंगे 5, तो 6³ + 5, तो कितना होता है 11, कितना होता है विषम, 11 कितना होता है विषम। तो दोस्तों क्या पूछ रहा था सवाल, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6³ + 1 या 6³ + 3 या 6³ + 5 के रूप में होता है, जहां क्यों कोई विषम पूर्णांक है। तो दोस्तों कौन कौन सा निकला अपना विषम पूर्णांक, 6³ + 1 अतः लिखेंगे दोस्तों, अतः 6³ + 1, 6³ + 3, 6³ + 5 धनात्मक विषम पूर्णांक है, धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो दोस्तों आई होप, मुझे आशा है कि आपको वीडियो समझ में आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट सवाल में, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।